नमस्ते शार्क्स, मैं हूं तुहिन पॉल, मैं 37 इयर्स का हूं। और मेरा नाम है अदिति गुप्ता, मैं भी 37 इयर्स की हूं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने के लिए। ये सारी बातें गलत है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग-अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। और इस सपने को साकार करने के लिए हम दे रहे हैं 10% की इक्विटी और हमें जरूरत है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट की। Fantastic. So, तुहीन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया, 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके, तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो वैसे कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। अमन भैया, अमन भैया, उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो, 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए काम नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं, तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हमारे, हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे कोई बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं, तो हम बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो। तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ, प्लीज देखें। प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो। पहला, तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो। दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो। तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई जिसका आपने सलूशन निकाल लिया जी, और प्रॉब्लम्स भी आपने आइडेंटिफाई करके रखी है। 9 से 15 साल तक बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में,
प्रेगनेंसी के बारे में, लड़कों के लिए सेफ इंटरकोर्स के बारे में, बड़े ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स से भी हमने बात की और उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि हम कैसे बताएं। तो अगर फिंगर टिप पे कोई कंटेंट हुआ जो कि सेंसिटिव है तो उनके लिए आसान हो जाएगा ये कॉन्वर्सेशन करना, और वो सारे टॉपिक से हम एजुकेशनल कंटेंट ऐसे जैसे आपको बताए वैसे बनाना चाहते हैं। तुहीन और अदिति, मैं आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे थोड़े सवाल है नंबर्स के बारे में। आपका लास्ट ईयर का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या था? पिछले साल हमने 1,15,00,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें 31 लाख हमारा प्रॉफिट, और हमारे पास एक स्पॉन्सर जैसे फेमिनिन हाइजीन कंपनीज है वो हमारे साथ स्पॉन्सरशिप का डील है उनका। 1,15,00,000 में बुक सेल कितना है, स्पॉन्सरशिप मनी कितना है? स्पॉन्सरशिप अराउंड 40% है, 60% बुक का सेल है। आप का पहला राउंड है इन्वेस्टिंग का कि इसके पहले कोई इन्वेस्टर्स रह चुके हैं? पहला राउंड है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मदद कर सकती हूँ। आप सोचिए कितने लाखों पेशेंट्स को थ्रू आवर डॉक्टर्स एंड रेप्स हम ये बुक पहुंचा सकते हैं। पूरा लाइफ साइकिल जो होता है एक वुमन का, यू नो, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम सब कुछ टारगेट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मुझे खुद का बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर, लेकिन 25% स्टेक। तुहिन, अदिति, फार्मा से अच्छा इस डील में कोई नहीं हो सकता, एंड आई थिंक कंट्रीब्यूशन मेरा बहुत कम रहेगा, आई एम आउट फॉर दैट रीजन। मुझे नहीं लगता मैं आपकी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा। अदिति, तुहिन, मुझे लगता नहीं है कि इसमें फंडिंग से कोई फायदा होगा इन ग्रोइंग इट 5x 10x, तो फॉर दैट रीजन मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, बट ऑलवेज योर बिगेस्ट चीयरलीडर। और मैं डिसएग्री करूंगी फंडिंग से, और मेरे प्रेजेंस से आप बहुत ग्रो करेंगे। आपके पास एक ऑफर है, 3 शाह गाउट है, अश्नीर ने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया। 50 लाख फॉर 50 लाख फॉर 25%। गंभीर सोच में पड़े, जल्दी कीजिए, सोचने दीजिए। आप इतना यूजुअली सोचते नहीं है। अच्छा, अश्नीर का स्टैंडर्ड डायलॉग है, मैं CSR सोशल कॉजेस में बिलीव नहीं करता हूँ, तो ये मैं आपको एक जरा इनके बारे में बता दूं। अदिति, मैं अगर ऑफर दे दे तो आपको काम में आएगा। ये विड्रॉ ना कर ले ऑफर, तो अगर आपको जल्दी करना है तो आप नहीं, 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 हमारे हमारे शो का फॉर्मेट है जो ना बोल चुके वो आउट होते हैं। मेरा ऑफर ये है कि मैं 50 लाख दूंगा फॉर 22%, बट आपको प्रोडक्ट रोड मैप पे जाना पड़ेगा, सैनिटरी पैड बेचना पड़ेगा, आपको सैनिटरी पैड कंपनी बनना पड़ेगा। कंटेंट हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कंटेंट को कस्टमर एक्विजिशन की तरह सोचना पड़ेगा, अगर आप उस पाथ पे जाने को तैयार हैं तो मैं 50 for 22% दे दूंगा। और ये तो बहुत ही बुरा आइडिया है, आप सैनिटरी पैड कंपनी नहीं है। सबसे बड़ी बुक की कंपनी कौन सी, पब्लिकेशन रॉयल्टी आप वो निकाल लीजिए, और जो सैनिटरी पैड बेचती हैं उन कंपनीज के रेवेन्यू निकाल लीजिए, आपको आपका जवाब वहीं पे मिल जाएगा। पर उन्हें नहीं बनना है सैनिटरी पैड कंपनी, क्यों उनको जबरदस्ती है क्या? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आपका बिजनेस है, 100% आप ओन करते हैं। उनका बहुत क्लियर विजन है 8 साल से, जो मैं समझ रही हूँ। 8 साल के बाद 1 साल में बिल्कुल ही चेंज हो सकती है गेम, आप ये सोचिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, आप 8 साल से एक काम कर रहे हैं, आपको भी पता है क्या पेस ऑफ ग्रोथ है। अश्नीर, हम लोग को ये लगता है कि सैनिटरी नैपकिन ब्रांड्स बहुत सारे हैं मार्केट में, और correct. उनके साथ हम लोग कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे, और प्लस हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं है इस चीज़ correct. में, तो हम खुद हिचकिचाएंगे किसी से भी इसको लेके फंडिंग लेने में, ठीक है? तो जो चीज़ हम कमिट नहीं कर सकते वो चीज़ हम लोग प्रॉमिस नहीं करना चाहते। मेरा चेक रेडी है, मेरा चेक रेडी है, हम ताली तो मार सकते हैं अश्नीर जी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। नमिता, एक लास्ट रिक्वेस्ट है,
आप प्लीज हमारे साथ आए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। सिर्फ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट और 20% इक्विटी में आप आ सकते हैं हमारे साथ। इतना दुख कर दिया यार, कर दे कर दे। चलो गुल्लू का नाम रोशन कर दो यार, और अमन का भी, अमन का भी साथ साथ। एंड वी विल मेक दिस बिग, यस आई प्रॉमिस यू दैट। यस अश्नीर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हम पे बिलीव किया कि आप हम पे इन्वेस्ट कर सके, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू बट नो थैंक यू। गुड लक गाइस, गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।